देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जो पटवारी भर्ती परीक्षा होती है उसको स्थगित नहीं किया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा कराने का फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गुरुवार को हुई बैठक में परीक्षा को यथावत रखने का ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहाँ पर गुरुवार को हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, युवाओं की आंदोलन के बावजूद परीक्षा को आयोग नहीं करेगा स्थगित, ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर युवाओं की आंदोलन के बावजूद भी परीक्षा को आयोग स्थगित नहीं करेगा, तय वक्त पर होगी। 8 जनवरी को हुई थी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा, जिसके बाद जो है पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से ही जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। पेपर लीक होने के बाद 12 फरवरी को दोबारा कराने का आयोग ने यह बार फैसला लिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आपको बता दें कि यहाँ पर देहरादून से बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, पटवारी भर्ती परीक्षा तय वक्त पर होगी। लोक सेवा आयोग ने तय कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा को कराने का यहाँ पर यह फैसला लिया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर जो है गुरुवार को हुई बैठक में परीक्षा को यथावत रखने का ये फैसला लिया गया है, अब तय वक्त पर जो है पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। और आपको बता दें कि बड़ी जानकारी देहरादून से, युवाओं की आंदोलन के बावजूद परीक्षा को आयोग नहीं करेगा स्थगित, ये लगातार जो है जारी रहेगी, इसे स्थगित नहीं किया जाएगा। बड़ी जानकारी देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। 8 जनवरी को हुई थी पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा, और पेपर लीक मामला होने के बाद से ही युवा लगातार आंदोलन कर रही और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की सड़कों पर उतर कर। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पेपर लीक होने के बाद 12 फरवरी को दोबारा कराने का आयोग ने फैसला लिया है।